राजस्थान में आंधी और बारिश का कहर, 21 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। अकेले भरतपुर में 11 लोग बने जानलेवा मौसम के शिकार, कई जगहों पर टूटे बिजली के खंभे। धौलपुर में भी बारिश के कहर से 6 लोगों की मौत, कई जगहों पर उखड़े पेड़। अलवर में भी मौसम बना आफत, 3 लोगों की गई जान। बीकानेर में भी बदला मौसम का मिजाज, दिन में छाया अंधेरा। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बारिश के बाद चट्टानों से बहने लगा मलबा, जगह जगह फंसी गाड़ियां। दिल्ली के अशोक नगर में तेज आंधी के बाद गिरा पेड़, कार और बाइक चपेट में आए। दिल्ली सटे नोएडा में भी चली धूल भरी आंधी, राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल। पहाड़ों पर भी अचानक मौसम ने ली करवट, शिमला में दिन में हुई रात। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी भारी बारिश, नीचे लुढ़का पारा। हरियाणा के करनाल में भी काले बादलों के साथ बारिश की दस्तक, तापमान में गिरावट। पंजाब के बरनाला में बारिश की भेंट चढ़ा हजारों क्विंटल गेहूं, पानी में भीगी बोरियां। हरियाणा के यमुनानगर में भी अनाज पर मौसम की मार, प्रशासन की लापरवाही से लाखों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगा। यूपी के पीलीभीत में तेज आंधी के बाद गांव में फैली आग, कई घर जलकर राख। यूपी के मेरठ में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक। जयपुर में पीटीआई के टॉर्चर से परेशान 9वीं क्लास के छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट बरामद। साउथ दिल्ली के सुजुकी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, लाखों रुपए से भरी तिजोरी लेकर भागे थे चोर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 से लापता आईबी इंस्पेक्टर की पत्नी की लाश बरामद, 30 अप्रैल को संदिग्ध हालत में हुई थी गायब। गाजियाबाद के इंद्रपुरा में 11 साल की बच्ची ने दिखाई सूझबूझ, अपहरण की कोशिश को किया नाकाम। यूपी के हाथरस में घरों पर लिखे मिले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में छेड़खानी की शिकार लड़की ने दी खुदकुशी की धमकी, परिवार को मिल रही है धमकियां। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाश युवक को गोली मारकर लूटे 52,000 रुपए। यूपी के बाराबंकी में सरकारी स्कूल में नाबालिग से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस ने सुलझाई एसपी नेता के मर्डर की गुत्थी, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला के साथ रेप का सनसनीखेज मामला, बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मेरठ में पुलिस ने सुलझाए दुल्हन की मौत की गुत्थी, मुख्य आरोपी समेत 2 हाईवे लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिता ने 3 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, भाई पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बांदा में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, मौके से 2 गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में शराबी पति की करतूत, शराब के लिए काटी पत्नी की नाक। यूपी के कानपुर में वकील पर महिला से रेप का आरोप, कोर्ट में प्रैक्टिस कराने के बहाने बनाया शिकार। यूपी के फैजाबाद में अवैध संबंधों का खूनी अंजाम, मां के प्रेमी को बेटी ने उतारा मौत के घाट। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में युवक का मर्डर, चचेरे भाई ने बेटों के साथ उतारा मौत के घाट। हरियाणा के करनाल में एमबीए पास युवक गिरफ्तार, जाली दस्तावेजों का करता था धंधा। हरियाणा के फतेहाबाद में सड़क किनारे बेडशीट में लिपटे मिली महिला की लाश, प्रेमी पर हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने खत्म किया ऑपरेशन, भागने में कामयाब हुए आतंकी। कश्मीर में फिर से आतंकी घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान, जानकारी के मुताबिक रजौरी सेक्टर के सामने 4 बड़े लॉन्चिंग पैड तैयार। पाकिस्तान ने पीओके में रजौरी के सामने अपनी जमीन पर तैनात किए डिफेंस गन, आर्टिलरी, करीब 80 आतंकी हुए एकजुट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्कूल बस पर पथराव, 40 से ज्यादा बच्चों पर बरसाए पत्थर, एक मासूम की हालत गंभीर। खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर, गर्मी में घाटी में बढ़ सकती है आतंकी गतिविधि और पत्थरबाजी की घटनाएं। हरियाणा के पानीपत में सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना, पुलिस पर रिश्वत लेकर लीपापोती कारू। हरियाणा के सिरसा में करोड़ों की रकम बरामदगी के मामले में खुलासा, फर्जी फर्मों से जुड़े नकदी के तार। पंजाब के खन्ना में पंचायतों को तुगलकी फरमान, लव मैरिज करने पर हुक्का पानी बंद करने की धमकी। पंजाब के खन्ना में नशा तस्करी के आरोप में 6 गिरफ्तार, एम्बुलेंस के जरिए धंधे को देते थे अंजाम।
मध्य प्रदेश के भिंड में एक कमरे में युवक युवती के मेडिकल टेस्ट मामले में कार्रवाई, बोर्ड इंचार्ज देवेंद्र शर्मा सस्पेंड। कर्नाटक रन में आज मोदी राहुल की टक्कर, दोनों नेता रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी गुलबर्गा से करेंगे प्रचार की शुरुआत, राहुल का आज गुलबर्गा में रुकने का प्लान। बेंगलुरु में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम, शाम को संबोधित करेंगे पहली रैली। यूपी के सीएम योगी भी प्रचार में दिखाएंगे दम, सिरसी और शिमोगा में रैली को करेंगे संबोधित। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी के रैलियों की बड़ी संख्या, स्थानीय नेतृत्व की अपील पर 15 के बजाय 21 रैलियां करेंगे। कर्नाटक में जेडीएस के लिए वोट मांगेंगे ओवैसी, बेंगलुरु में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी के सांप्रदायिकता के आरोपों और चुनाव आयोग की चेतावनी पर बोले गुलाम नबी आजाद, गलत हुआ तो दूंगा इस्तीफा। अगर मैंने ये कहा होगा कि इस्लाम खतरे में है और वोट मांगा तो मैं लीडर अपोजिशन से भी इस्तीफा दूंगा, पार्लियामेंट से भी इस्तीफा दूंगा। यूपी में शराबबंदी को लेकर योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को दी चुनौती, आंदोलन में नहीं दिया साथ तो 2019 में करेंगे बहिष्कार। ओम प्रकाश राजभर क्या समर्थन नहीं करेगा, जो पार्टी लोकसभा 2019 के चुनाव में उस पार्टी का हम महिलाओं से बहिष्कार करेंगे। चुरू में एटीएम कार्ड के जरिए लोगों को ठगने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, आधा दर्जन से ज्यादा वारदात को दे चुके अंजाम। धौलपुर में बीच बाजार दो सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी, कई बाइक और कार हुए क्षतिग्रस्त। अलवर में दलित नेता सूरजमल करदम की गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल, 2 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। अजमेर के कलेक्ट्रेट परिसर में दो महिला वकीलों के बीच झड़प, एक वकील ने टैंक में कूदकर की खुदकुशी की कोशिश। जोधपुर में मोबाइल पर बात करते हुए की ड्राइविंग तो रद्द होगा लाइसेंस, ट्रैफिक एसीपी का फरमान। झज्जर में कॉलेज छात्रा की गोली लगने से मौत, पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली, जांच कर रही है पुलिस। फरीदकोट में गर्ल्स हॉस्टल में ज्ञात युवक के घुसने से बवाल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, विरोध में लड़कियों ने दिया धरना। गुरुग्राम में हुई इंटरस्टेट क्राइम मीटिंग, हरियाणा दिल्ली राजस्थान और यूपी के वरिष्ठ पुलिस अफसर हुए शामिल। सिरसा में राम रहीम की मां ने संभाली डेयरी की कमान, लेकिन पुलिस ने नहीं दी है सत्संग की इजाजत। जेएनयू के यौन शोषण कांड में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, यूनिवर्सिटी प्रशासन का जवाब, प्रोफेसर जौहरी की लैब में एंट्री बैन। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 100 करोड़ की संपत्ति वाले चपरासी का पर्दाफाश, भ्रष्टाचार के आरोपों में एसीबी ने किया गिरफ्तार। केरल के त्रिवेंद्रम में विदेशी नागरिक की हत्या मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, एसपी दफ्तर तक मोर्चा निकालकर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन का विरोध, डीएम के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। देवघर के सहकारी बैंक में 34 लाख के गबन का मामला, 3 खातों से की गई फर्जी निकासी। हावड़ा में पंचायत चुनाव के बीजेपी उम्मीदवार के घर पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दिल्ली में सरकारी स्कूल से गिरी छात्रा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, 27 अप्रैल का मामला, परिजनों का दावा, लड़की ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने वाली महिला गिरफ्तार, जमीन के लालच में मर्डर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में झड़प के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। बागी विधायक के बोल को डिप्टी सीएम ने बताया गुस्से का इजहार, दीनानाथ भगत ने बीजेपी को बताया था दलित विरोधी। पीएम के विद्युतीकरण के दावों पर जम्मू कश्मीर के रजौरी में भी उठे सवाल, कई गांवों तक नहीं पहुंचे बिजली के तार। साथियों की मौत से बौखलाए नक्सली संगठन, 3 राज्यों में वारदात की साजिश, पर्चों के जरिए दी गिदड़ भभकी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बड़ी वारदात की फिराक में नक्सली, आईबी के इनपुट के बाद बढ़ाई गई चौकसी। वीआईपी वीवीआईपी को हमले के मद्देनजर किया गया सतर्क, 50 से ज्यादा नक्सलियों की मौत का बदला लेने का प्लान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोडागांव जिले में पुलिस की अनोखी पहल, गानों के माध्यम से आदिवासियों और नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील। कोंडागांव के
एएसपी महेश्वर नाग ने स्थानीय भाषा में खुद गाए तीन गाने। नाटक और डांस के जरिए भी लोगों को समझाई जा रही है विकास की बात। दिल्ली में सक्रिय है जाली करेंसी का संगठित गिरोह। पुलिस का दावा, इस साल अब तक 1 करोड़ के जाली नोट बरामद। गंगोत्री धाम को गंगा नदी से बड़ा खतरा, मलबे की वजह से रुक सकता है प्रवाह। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के सामने कैश की किल्लत, रुद्रप्रयाग में ज्यादातर एटीएम खाली। हिमाचल के कसौली कांड पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान महिला अफसर शैल बाला की हुई थी हत्या। झारखंड के आदिवासी युवकों ने खुद बनाया जनरेटर, बच्चों की पढ़ाई के लिए रोजाना 5 घंटे कर रहे हैं बिजली उत्पादन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शॉपिंग मॉल के पास तेंदुआ दिखने से हड़कंप, सतर्क हुआ वन विभाग। यूपी के संभल में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल, महिला ने टेम्पू में बच्चे को दिया जन्म। गुजरात के साबरकांठा में कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर की मौके पर मौत। राजस्थान के जोधपुर में स्प्रिट से भरी गाड़ी में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पंजाब के पठानकोट में विनोद खन्ना की याद में कार्यक्रम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बहन सोनम को शादी का गिफ्ट देने पर बोले हर्षवर्धन, मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं, बहन को देने के लिए मेरे पास सिर्फ प्यार। फिल्म भावेश जोशी के प्रमोशन में लगे हर्षवर्धन, सोनम के संगीत पर करेंगे खास परफॉर्मेंस। दीपिका ने दिखाया अपने टून बाइसेप्स, 10 और 11 मई को कांस में रेड कार्पेट पर बिखेरेंगे जलवा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।